Welcome to the Mathematics with Ayaz ALi. Today's lecture is about partial derivatives. ये यहाँ पर बनाने का मकसद ये है कि due to the coronavirus मुल्क के हालात थोड़े ख़राब हो गए हैं, सो इस वजह से मैंने सोचा कि एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, अपने मैं लेक्चर की सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहा हूँ। सो इस वजह से आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने का, आफ्टर द फंक्शंस कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, आई नाउ वी आर ऑन द टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स। इसमें आपको एक मेन मीन समझनी चाहिए, यहाँ पर अगर मेरे पास दो वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स एंड वाई, अगर मुझे डेरिवेटिव पार्शियल दावा मुझे लेना है एक्स के लिहाज से, तो वाई वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अगर वाई के लिहाज से लूँगा तो मेरे पास एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शो दैट, हमें ये करके दिखाना है क्या, डावा ऑफ जेड अपॉन डावा ऑफ एक्स इज इक्वल्स माइनस डावा ऑफ जेड अपॉन डावा ऑफ वाई एंड होल स्क्वायर किसके इक्वल, फोर एंड वन माइनस डावा ऑफ जेड अपॉन डावा ऑफ एक्स एंड माइनस डावा ऑफ जेड अपॉन डावा ऑफ वाई के इक्वल मुझे करके दिखाना है, ठीक है। सो चले आएँ हम सबसे पहले डावा ऑफ जेड अपान डावा ऑफ एक्स को मालूम करते हैं। तो मेरे पास क्या है, जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये मल्टीपल में है उस तरफ जाएगा डिवीजन में, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान एक्स एंड प्लस वाई होगा। अब मैं इसे अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड करूंगा तो डावा ऑफ जेड अपॉन डावा ऑफ एक्स और उसके लिहाज से इज इक्वल्स टू डावा अपॉन डावा ऑफ एक्स और देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होगा। और अब मुझे ये डेरिवेटिव इसका निकालना है, बट वी आर फेमिलियर अबाउट द डेरीवेटिव फार्मूला, वो जो ये पार्शल में और डेरीवेटिव में हम फार्मूला सेम लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मुझे फार्मूला की हमें पता है, यू अपान वी डेरीवेटिव का फार्मूला है वो लगेगा। तो सबसे पहले मेरे पास है यू डेरीवेटिव, सो इसका यू डेरीवेटिव निकालने से पहले मैं यू अपान वी का फार्मूला लिखना चाह रहा हूँ। यू अपान वी इज इक्वल्स टू यू डेरीवेटिव v सेम माइनस v डेरिवेटिव u सेम एन अपान वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब सबसे पहले मेरे पास u क्या है, u है मेरे पास x स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर, और उसके पास u का डेरिवेटिव क्या होगा, जस्ट एंड जस्ट एक डेरिवेटिव ऑफ x बिकॉज y ही बिकम्स हियर द कांस्टेंट, y का हम कोई डेरिवेटिव नहीं। अब जब मेरे पास ये चीज आ गई, अब मैं v का डेरिवेटिव लूंगा, और v मेरे पास क्या है, v इज नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू x एंड प्लस y, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा v का, दिस बिकेम सो वन, ठीक है, अब वन डेरिवेटिव हो गया। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये इस फार्मूले के अंदर रखनी है, और फार्मूला क्या था, डावा ऑफ z अपॉन डावा ऑफ x is equals to nothing but u derivative that is equals to 2 of x or v same that is equals to x plus y minus v aur uske sath hi u same u is nothing but x square plus y square this is what plus and upon x plus y v ka square whole square, theek hai। सो इस लिहाज से अब सबसे पहले मुझे ये मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा दिस बिकेम्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ एक्स वाई और फिर माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का वाई स्क्वायर और फिर अपान एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स टू ऑफ एक्स स्क्वायर निकल रहा है, तो डावा ऑफ जेड अपान डावा ऑफ एक्स मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, और फिर प्लस का टू ऑफ एक्स वाई होगा, और फिर माइनस का वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमने देख लिया कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस का वाई स्क्वायर आ रहा है। सो अब अपान में मेरे पास क्या है, अपान में है एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर। ये चीज़ मैंने मालूम किया है डावा ऑफ जेड अपान डावा ऑफ एक्स, वी मैक इट इज एज इक्वेशन नंबर वन, से मैं इक्वेशन नंबर वन का तस्वीर दे रहा हूँ। जब हम इसका डावा ऑफ वाई अपॉन जेड अपॉन डावा ऑफ वाई निकालेंगे, फिर हम एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो चलें आएं सेकंड पार्ट की तरफ चलते। अब मैंने जो पहली इक्वेशन निकाली थी, दिस इज इक्वेशन नंबर वन, मैंने इसे ऊपर रख दिया है एज फॉर फर्दर डिटेल्स। अब मुझे ये डावा ऑफ जेड जेड अपॉन डावा ऑफ एक्स मिल चुका है, अब मैं डावा ऑफ जेड अपॉन डावा ऑफ वाई निकालूंगा। सो उसके लिए मुझे जेड सेम लेनी पड़ेगी, और जेड थी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स एंड प्लस वाई। जब मैं इसे पार्शियल डिफरेंशियल करूंगा डावा ऑफ जेड अपॉन डावा ऑफ वाई, तो मेरे पास क्या होगा, विद द सेम वे डावा अपॉन डावा ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x प्लस y। मुझे फिर भी मालूम है यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, और मुझे y को ही डेरिवेटिव करना है, x को नहीं करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर u अपॉन v का फार्मूला सेम टू सेम अप्लाई होगा, और हमें मालूम है u अपॉन v डेरिवेटिव फार्मूला मेरे पास क्या है, u डेरिवेटिव v सेम माइनस v डेरिवेटिव u सेम अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए सी अब मैंने सबसे पहले u लेना है, और u इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर है, और उसी लिहाज से u डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा, हमें y का लेना है, वुड बिकम्स टू ऑफ y। v मेरे पास क्या है, v मेरे पास है x प्लस वाई, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, v का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, अब मुझे ये u अपान v फार्मूला में भी अप्लाई करना है। जब मैंने डावा अपान डावा ऑफ z अपान डावा ऑफ y लिखा, तो u अपान v फार्मूला मेरे पास क्या है, u डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू टू ऑफ y एंड v सेम दैट इज व्हाट x प्लस y माइनस वन v डेरिवेटिव एंड u सेम दैट इज x स्क्वायर माइनस का प्लस का y स्क्वायर एंड अपान क्या हो जाएगा, x प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे डावा ऑफ z अपान डावा ऑफ y यहाँ पे मैंने रखा, और इज इक्वल्स टू टू ऑफ x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया, तो टू ऑफ एक्स वाई एंड प्लस दिस बिकेम्स टू ऑफ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड माइनस y स्क्वायर एंड अपान x प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है मेरे पास, मस्ट रिमेंबर। अब मेरे पास ये आ गई है क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ कि वाई स्क्वायर से, तो वाई स्क्वायर निकल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, सबसे पहले हम रख देते हैं, या फिर टू ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस का टू ऑफ एक्स वाई टू ऑफ एक्स वाई, और उसके बाद एक्स स्क्वायर से अगर टू ऑफ एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, तो प्लस का वाई स्क्वायर रह जाए, उसके अपान में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब मुझे ये मालूम है क्या मालूम है कि मैंने डावा ऑफ जेड अपान डावा ऑफ एक्स निकाला था, अब मैंने डावा ऑफ जेड अपान डावा ऑफ वाई का आंसर ये निकाला है।
जो मैं इक्वेशन इसे कह दूंगा इक्वेशन नंबर टू. अब हम इसके राइट हैंड साइड यानी कि इसके अंदर ये वैल्यूज प्लेस करेंगे. अगर इसके अंदर वैल्यू प्लेस करेंगे तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी. चलें हम इसके वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या. तो चलें हमने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर टू और अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में वेरीफाई करेंगे. और इसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा डावा ऑफ जेड अपान डावा ऑफ जेड और उसके अपान में डावा ऑफ एक्स माइनस डावा ऑफ जेड अपान डावा ऑफ वाई और उसके होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू. सबसे पहले मुझे डावा ऑफ एक्स जेड अपान डावा ऑफ एक्स जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर और फिर प्लस का टू ऑफ एक्स वाई और फिर माइनस का वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर. ठीक है और उसके बाद प्लस है माइनस है मस्ट रिमेंबर और फिर मेरे पास है माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का टू ऑफ एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर. ठीक है प्लस का क्या है वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड सिमिलरली प्लस का वाई स्क्वायर और अब मेरे पास क्या है एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर. ठीक है अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये कुछ यूं हो जाएगा एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर. ठीक है अब मैं जब इन दोनों का ले लिया तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू ऑफ एक्स वाई और फिर माइनस का वाई स्क्वायर. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस दिस वुड बिकम्स प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस टू एक्स वाई माइनस के टू ऑफ एक्स वाई हो जाएंगे और फिर माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएंगे. ठीक है और हमें पता है कि इसके ऊपर होल स्क्वायर है और फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा होल स्क्वायर होगा. अब यहाँ पे हमने देखेंगे कि टू ऑफ एक्स वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वुड बी कैंसिल आउट और उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के टू ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएंगे. तो मेरे पास क्या होंगे टू ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस के टू ऑफ वाई स्क्वायर एंड अपान एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर है. जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा टू जो बाहर निकलेगा तो इसके साथ मल्टीपल में फोर हो जाएगा ये हो जाएगा फोर और उसके बाद मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड अपान एक्स प्लस वाई होल पावर फोर और यहाँ पे स्क्वायर. अगर मैं देखूँ मेरे ख्याल से मैं देखूं तो ये x प्लस वाई और x माइनस वाई हो सकती है तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी 4 इन द सिमिलर वे दिस बिकम्स 4 एंड 4 यहाँ मैंने लिखा है और उसके बाद ये क्या हो जाएगी x माइनस वाई एंड स्क्वायर इंटरनली एंड x प्लस वाई एंड होल स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होल पावर फोर स्क्वायर इसके साथ कैंसिल क्या रह जाएंगे हमारे पास दो रह जाएंगे क्या रह जाएंगे दो. जब ये यहाँ पर दो रह गए तो ये चीज़ मेरे पास हो जाएगी कुछ इस तरीके से दिस बिकेम्स फोर ऑफ एक्स माइनस वाई एंड होल स्क्वायर एंड अपान एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर. सो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड मालूम किया है अब वो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि हमने जो लेफ्ट हैंड साइड बहुत छोटा है मेरे पास इस वजह से तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई है लेफ्ट हैंड साइड आई है फोर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई एंड होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर. ठीक है तो अब मेरे पास ये आ गई है
मैं यही दोनों वैल्यू इसके अंदर डालूंगा, तो मेरे पास यही आंसर आया, तो मैं कहूंगा यस इट इज हैंस वेरीफाइड। चल अब मेरे पास ये आ गई हैं, अब मैं यहाँ इसी क्वेश्चन को वेरीफाई करूँगा। उसके लिए मेरे पास है सबसे पहले 4 और उसके बाद है 1 माइनस डाव ऑफ जेड अपॉन डाव ऑफ एक्स का वैल्यू मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ऑफ एक्स वाई और फिर माइनस का वाई स्क्वायर एंड अपॉन एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर माइनस फिर डाव ऑफ जेड अपॉन डाव ऑफ वाई है मेरे पास जो है माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 ऑफ एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट ओवर। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एलसीएम निकालना चाहूँगा और यहाँ पे ये मेरे पास 4 है। अब जब मैंने एलसीएम निकाली तो मेरे पास एलसीएम क्या आई, मेरे पास एलसीएम आई एक्स प्लस वाई एंड होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जब एलसीएम में 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फार्मूला ओपन कर देता हूँ, ये फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर और फिर उसके बाद ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ एक्स वाई और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस इस माइनस से तो प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस इस माइनस से तो माइनस का 2 ऑफ एक्स वाई इन द सिमिलर वे और फिर ये माइनस इस माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर एंड ब्रेकेट ओवर। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि 2 ऑफ एक्स वाई 2 ऑफ एक्स वाई एक जैसे कैंसिल हो गए और यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर ये वाला भी इसके साथ कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर ये है और वाई स्क्वायर मेरे पास ये भी है, ये भी मेरे पास क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब मेरे पास चीज़ें क्या रही हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस के 2 एक्स वाई रह गए, तो चलिए आए हम लिख देते हैं। तो ये क्या रह गया 4 एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ एक्स वाई एंड माइनस के प्लस के वाई स्क्वायर एंड अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, अब इज इक्वल टू सिमिलरली अगर मैं इसे फार्मूला को फार्मुलेट करूँ कंप्लीट करूँ कंप्रेस करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई एंड ब्रैकेट होल स्क्वायर, अगर ये मैं ब्रैकेट ना भी दूँ कोई इशू नहीं है और नीचे क्या आ गई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। वी ऑब्जर्व क्या मैंने हमने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों साइड एक जैसी आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।